बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार है और रमज़ानों के हवाले से बहुत ही लजीज है। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। आज की रेसिपी है हमारी दही बड़े बनाए थे आज हमने। आप इसे दही फुल्की भी बोल सकते हैं, दही बड़े भी बोल सकते हैं। ये कराची में बहुत फेमस रेसिपी है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए, उसमें हम बेसन डालेंगे। मैंने 2 प्याले बेसन लिए थे, यानी 2 कप ले लें आप। आप इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी मदद से फेंटूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ और उसको मिक्स करते जाएँ। आपको इसमें एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। आप बिल्कुल आराम से इसको फेंटते रहें। देखें मैं कितना अच्छे से इसको फेंट रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और मैं फेंटती जा रही हूँ। और इसको चेक करने का तरीका भी मैं बताऊँगी आपको कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये देखें कि हमारा बेसन फेंट चुका है अच्छे से। अब मैं चेक करती हूँ। एक प्याले में पानी ले लेंगे और उसमें डाल के चेक करेंगे, एक ड्रॉप डाल के चेक करेंगे कि हमारा ये फिटा है या नहीं। अगर आपका बैटर नीचे बैठ जाता है तो वो आपका नहीं फिटा है अच्छे से। और देखें हमारा बिल्कुल ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो ये हमारा अच्छे से बेसन फिट चुका है। अब इसमें मैंने सोडा, खाने का सोडा और नमक डाला है। 1/2 टीस्पून दोनों लिया है क्योंकि हम दही में भी नमक डालेंगे। अब एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी थी और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है, हम 1 बाय 1 करके हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ये देखें कितनी जल्दी से बन गए ये। अब इसको आप पलटेंगे, हमें इसे डालते ही नहीं पलटना है, हमें इसको 1-2 मिनट तक फ्राई करना है, फिर हमें इसको पलटना है। ये देखें हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ये। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। हम इसको पानी में नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, मैंने इसको प्लेट में निकाला है। अब मैंने इसमें और डाल दिए थे फ्राई होने के लिए, वो मैंने प्लेट में निकाल लिए थे। अब ये भी मैं प्लेट में निकालूंगी, अभी इसको पानी में हम नहीं डालेंगे। मैं आपको इसका भी मेथड बताऊंगी कि पानी में हम क्यों डायरेक्ट नहीं डालते, क्योंकि उसमें गुठली पड़ जाती है। हम पहले आप इसको प्लेटर में निकाल लें, फिर सारे एक साथ दोबारा फ्राई करें, फिर आप इसको पानी में डालें। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिए थे, हमें दोबारा इसको फ्राई कर रही हूँ। 2-3 मिनट तक आपको फिर फ्राई करना है, फिर आप इसको प्लेट में निकालिएगा। और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर इसको पानी में डालते हैं हम। सारे एक साथ डालेंगे हम पानी में। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। ये देखिए पानी में डालने से फूल जाते हैं बहुत अच्छे से, और फिर हम दही में भी डालेंगे तो ये हमारे अच्छे से और फूल जाएंगे। देखिए हमारे नीचे भी बैठ गए थे। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर हम मैं इसको दिखाती हूँ आप मैं इसको कैसे डेकोरेट करती हूँ। ये मैंने पापड़ी भी तल ली थी, ये होममेड पापड़ी है। ये भी होममेड इमली की चटनी है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। खट्टी मीठी इमली की चटनी मैंने बनाई थी और ग्रीन चटनी भी मैंने बनाई है। ये देखें इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अभी देखें दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब देखें दही को हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। और ये होममेड मसाला है हमारा दही बड़ों का, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब देखें हम इसमें दही डालेंगे। दही को हमें अच्छा सा डालना है, ज़्यादा डालना है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि हमारे दही बड़े बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अभी देखें मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाली, इमली की चटनी डाली है खट्टी मीठी, ऊपर से चाट मसाला डालेंगे और पापड़ी डालेंगे जो हमने फ्राई की थी। ये इतने अच्छे दही बड़े बनते हैं, ना इसका कोई शेप होता है वैसे तो, लेकिन ये दही फुल्की भी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये खट्टे मीठे दही बड़े बहुत मज़ेदार होते हैं। अब इस पर हम डालेंगे पापड़ी, क्योंकि पापड़ी के बगैर तो हर दही बड़ा, हर छोलों की चाट अधूरी है। तो आप लोग पापड़ी ज़रूर डाला करें अगर आप लोग बनाते हैं तो। और इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अफ्तार में इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा अगर आप ये बनाएंगे तो। अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं ये।
ऊपर से हम इसमें दही और डालते हैं, फिर मसाला और चटनी डालेंगे हम थोड़ी सी। अब देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें देखें कितने सॉफ्ट से बने हैं ये हमारे, और बिल्कुल भी कुटली नहीं है। आप देख रहे होंगे स्पून कितना इजीली चला गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।